फिर से स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड का नंबर वन चैनल। आज की वीडियो में मैं क्लास 12 की हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने टॉप 25 क्वेश्चन लिया है, सो इस वीडियो को शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, विलेज जली या फिर बैंटिंग? इसी राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था फ्रेंड्स वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं लाइक कीजिएगा, चैनल को फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई किसके समय हुई थी? कैनिंग के समय, वॉरेन हेस्टिंग्स समय, क्लाइव के समय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो फाइनल इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हो जाएगा क्लाइव के समय, सी जो बता रहे हैं ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन मैं टॉप 25 में लिया हूँ ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इनमें से मैंने चुन चुन के एक एक करके ये सब क्वेश्चन लिया है जो आपको एग्ज़ाम में एकदम मस्त नंबर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ट्रिपन या लॉर्ड कर्जन? तो बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का जिसको श्रेय मिलना चाहिए वो कौन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर में बताने की कोशिश कीजिए। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, 5 में कह रहा है क्या, अस्थाई बंदोबस्त का जनक था? जी हाँ फ्रेंड्स, अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस हो जाएगा। 5 का जो साथी इसी बता रहे ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा ताकि आपका फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमराड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया, यानी अस्थाई बंदोबस्त जो है वो कब लागू किया गया, काफ़ी मोटे क्वेश्चन है। तो 6 राइट आंसर हो जाएगा 1793। बी जो साथी बता रहा है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 का आप राइट आंसर बताइए। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, पंजाब, मुंबई, बंगाल, इनमें से कोई नहीं? तो 7 की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो वो जाएगा बंगाल। जी हाँ फ्रेंड्स, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था, 7 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है, जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान या इनमें से कोई नहीं? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसमें भूमि का स्वामी यानी भूमि का मालिक कौन होता है? तो 8 की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा किसान हो जाएगा। 8 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया? इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसकी राइट आंसर 9 नंबर की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा 51%। 9 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो 10 की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा पुर्तगाली, 10 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? ठीक है, यानी किस रिपोर्ट का संबंध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? तो 11 की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हो जाएगा 5वीं रिपोर्ट हो जाएगा, 11 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई भी? आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है, गौड़, संताल, कौल या हम्मार? तो फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो 13 की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हो जाएगा संथाल, 13 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन प्रणाली को कब समाप्त किया? 14 की राइट आंसर हो जाएगा 1772 ईस्वी में, 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, यानी अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, सूरत में, गुली में, कलकत्ता में, आगरा में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 15 की राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि सूरत में, सूरत जो कि गुजरात राज्य में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था, यानी भारत में पहली बार डाक टिकट जो है किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था। सोलह का राइट आंसर हो जाएगा बेंटिंक ने, सॉरी हॉस्टिंग ने, कॉर्नवालिस ने, बेंटिंक ने, या फिर डी में क्या है डलहौजी ने। तो सोलह का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा। सोलह का राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डलहौजी का विवाह, डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी, यानी डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी, वो कब दिया था 1855 में। डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता 1855 ईस्वी में दिया था। 1617 का डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फ्रांसीसी बुकानन कौन था, तो फ्रांसीसी बुकानन एक सर्वेक्षक था, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर अपने दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया, तो अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब किया गया, किसके समय में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई, स्वेज नहर जो है व्यापार के लिए कब खोली गई, काफ़ी उम्र क्वेश्चन है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में, 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामिनी ई को क्या था, यानी दामिनी ई को क्या था, काफ़ी उम्र क्वेश्चन है, तो 21 की राइट आंसर हो जाएगा भूभाग, 21 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करके बड़े अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा। मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, यानी मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो 22 की राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, काफ़ी मुंडन क्वेश्चन है, तो 23 नंबर की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हो जाएगा बिरसा मुंडा, जी हाँ, मुंडा विद्रोह का नेता जो था वो बिरसा मुंडा था, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया, 1875, एक करेक्ट आंसर। इस सेशन का आखिरी लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है, मालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 25 की राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन बर्ड, मालवाड़ी बंदोबस्त मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया था, 25 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।